आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसके अंदर हमने देखा था ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, सब हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था, जो कि इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए। अगर आपने वो एक बार चेक नहीं किया तो पहले उसको चेक करना एंड देन ये आपको इजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो हमने बेसिक टर्म्स वहां पे यूज की थी, तो सबसे पहले उनको हम लिख लेते हैं। एक बार हमने वहां पे यूज किया था ऑक्सीडेशन एंड देन रिडक्शन। तो आपको याद हो गया होगा ऑक्सीडेशन हमारे पास कहां होती है, एनोड पे, एंड रिडक्शन हमारे पास कहां होती है, कैथोड पे, ठीक है। एंड जो हमारे पास एनोड होता है या फिर जहां पे हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है तो ये कहां पे होती है, लेफ्ट साइड पे। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इसके जो ये जो लेफ्ट साइड है इस पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी एंड राइट साइड पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है। सो लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देना, अपने इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होंगे, चले जाएंगे, ठीक है। एंड रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, ठीक है। सो इनको हमने यूज किया था, या फिर आपको इस तरीके से भी देखा था आपने, CAR, कार इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन होती है एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एनोड को हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं, कैथोड को हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। तो अब हम यहां पे बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो यहां पे क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, केमिकल एनर्जी जो होगी हमारे पास दैट इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर है। सो यहां पे हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर हमारे पास जो सॉल्यूशन है दैट इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। अदर साइड पर हमने लिया है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एंड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हमने लिए है यहाँ पे जिंक की रोड। एंड इसी तरीके से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने लिए है कॉपर की रोड। एंड इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है विद वायर एंड एन अमीटर। अमीटर जो है यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी उसको मेजर करेगा, ठीक है। एंड देन हमने यहाँ पे लगाया है सॉल्ट ब्रिज। सो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब होती है जो कि हमारे पास दो जो हाफ सेल है, लाइक अगर हम सिर्फ इतना सेल कंसीडर करेंगे तो इसको हम बोलेंगे हाफ सेल, ठीक है। अगर हम इसको कंसीडर करेंगे सो दैट इज अदर हाफ सेल, ठीक है। सो दोनों हाफ सेल को जो ये कनेक्ट करता है इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। एंड जो सॉल्ट ब्रिज होगा दैट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दैट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस तरीके से मेंटेन करेगा। अगर हम मान लो अगर ये सॉल्ट ब्रिज इसको अप्लाई ना करें, यहां पे ना लगाए, तो क्या होगा, एक एंड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, एक एंड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। सो इन चार्ज को बैलेंस आउट रखने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं सॉल्ट ब्रिज को। किस तरीके से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आते हैं वो भी हम पूरा प्रोसेस के अंदर देखेंगे, ठीक है। सो सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे हमारे पास काम क्या है, दैट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। एंड ये जो K2SO4 है ये यूज होता है सॉल्ट ब्रिज के अंदर एंड ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। मतलब जहां पे हम रिएक्शन देख रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन देख रहे हैं, जहां पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो रही है, चेंजेस हो रही है, इनको देख रहे हैं, तो उनके अंदर जो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज के अंदर K2SO4 प्रेजेंट होगा, पोटेशियम सल्फेट प्रेजेंट होगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे होगा क्या, ये हमारे पास जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, तो ये जो जिंक सल्फेट है ये हमारे पास एनोड पे प्रेजेंट है। लाइक अगर यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे एनोड होगा, सो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जिंक की जो रोड होगी ये अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, इस तरीके से जो जिंक है दैट इज कन्वर्टेड इंटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, किस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, देयर इज +2, या फिर ये क्या कर रहा है, अपने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा एंड ये इलेक्ट्रॉन क्या है,
इस वायर में से मूव होके जाएंगे इस कॉपर इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जिंक रोड पे से जिंक बन गया Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव आ गया इस सॉल्यूशन के अंदर। एंड जो दो इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, ये वायर में से एमिटर में से फ्लो होके आ गए कॉपर इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है। इनको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड या रोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इस इलेक्ट्रोड के अंदर जब आए, सो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट हमारे पास प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर ने यहाँ पे क्या किया, कॉपर हमारे पास टू पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सो ये कॉपर टू पॉजिटिव जो है दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा एंड यहाँ पे बन जाएगा कॉपर, ठीक है। सो कॉपर जो यहाँ पे हमारे पास Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसने क्या किया, इसने दो इलेक्ट्रॉन को ले लिया एंड बन गया कॉपर। एंड ये जो कॉपर होगा ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास वापस से जिंक इलेक्ट्रोड से क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव का आयन आ जाएगा एंड दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होंगे, वापस से एमिटर में जाएंगे, करंट जो होगी फ्लो होगी इसको मेजर कर लेंगे एंड देन यहाँ से क्या होगा, ये कॉपर वापस से इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ से हमारे पास जिंक की जो इलेक्ट्रोड है ये कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, जिंक के जो हमारे पास आयन्स थे वो यहाँ पे आ गए हैं एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होके यहाँ पे जा रहे हैं और कॉपर की इलेक्ट्रोड जो है इसका साइज बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ही डिपॉजिट हो रहा है। तो इसीलिए ये जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है ये लार्ज साइज की होती जाएगी एंड यहाँ पे जिंक की जो इलेक्ट्रोड है वो कम होती जाएगी, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पे कॉपर है, देन SO4 टू नेगेटिव, इस टाइप के हमारे पास नेगेटिव एटम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव इस तरीके से। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर हम देख, अब यहाँ पे जो साल्ट ब्रिज है इसका काम आएगा, यहाँ पे क्या काम आएगा, ये जो साल्ट ब्रिज है जो यहाँ पे पॉजिटिव एंड यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं इसको मेंटेन करेगा, इसको न्यूट्रल करेगा। किस तरीके से, K2SO4 है एंड देन यहाँ पे हमारे पास है Zn2 पॉजिटिव। अगर हम K2SO4 को ब्रेक करें, सो K2 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, इस तरीके से ब्रेक होता है, ठीक है। सो ये SO4 2 नेगेटिव जो है इसके अंदर जाएंगे एंड Zn2 पॉजिटिव जो थे इसके साथ रिएक्ट करेंगे एंड देन ये फॉर्म कर लेंगे ZnSO4, ठीक है। अब हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगा, ZnSO4। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ZnSO4। सो इस तरीके से ये जो हमारे पास सॉल्ट ब्रिज था इसने क्या किया, ये जो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पे डेवलप हो रहे थे इनको न्यूट्रल कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास क्या होंगे, जो नेगेटिव चार्ज थे वो हमारे पास क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। किस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास 2K पॉजिटिव है, सो 2K पॉजिटिव प्लस यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव, सो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास K2SO4, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक की इलेक्ट्रोड तो हमारे पास कम होती जा रही है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होते जा रहे हैं एंड देन यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है इस कॉपर इलेक्ट्रोड पे, यहाँ पे साइज बढ़ता जा रहा है। बट जब यहाँ पे इसने एक्ट करना स्टार्ट किया साल्ट ब्रिज में, तो यहाँ पे क्या हुआ, ZnSO4 बनना स्टार्ट हो गया एंड स्टार्टिंग में भी हमारे पास ZnSO4 था। अब ये इलेक्ट्रोड तो कम होती जा रही है लेकिन ये जो ZnSO4 का जो सोल्यूशन है ये इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ZnSO4 बनता जा रहा है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो इसकी वजह से, साल्ट ब्रिज की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ZnSO4 बनता जा रहा है एंड यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा ZnSO4 का इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास ZnSO4 सॉल्यूशन जो है इंक्रीज हो गया एंड देन कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉपर हमारे पास थे वो डिपॉजिट हो रहे हैं कॉपर रोड के अंदर एंड यहाँ पे सॉल्यूशन किसका बन रहा है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट का। सो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो डिक्रीज होता जा रहा है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। सो इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये प्रोड्यूस कर रहा है
इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी, मतलब यहाँ पे हमारे पास केमिकल्स प्रेजेंट थे लाइक ZnSO4, CuSO4, केमिकल्स प्रेजेंट थे, केमिकल एनर्जी से हमारे पास ये कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, सो इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, सो इसकी जो रिएक्शन है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे वो देख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे ये वाली रिएक्शन तो लिखी हुई है जो कि हमने एनोड पे देखी है। ठीक है, एनोड एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन कहाँ पे होती है, रिडक्शन होती है कैथोड के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे कैथोड के ऊपर क्या होगा, कॉपर हमारे पास टू पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट था, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन हमने लिखा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दो इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, देन यहाँ पे बन गया कॉपर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रही है, कॉपर टू से कॉपर जीरो पे बन रहा है, प्लस टू से जीरो पे ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है, डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दैट मीन्स रिडक्शन। सो अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम एनोड वाली जो रिएक्शन है वो लिखेंगे, एनोड, एनोड पे है Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, एंड देन हम लिखेंगे कैथोड की जो रिएक्शन है दैट इज कॉपर टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन दे विल गिव कॉपर। ठीक है, अब हमको लिखनी है ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, सो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, सो लेफ्ट साइड में दो इलेक्ट्रॉन है, राइट में भी दो इलेक्ट्रॉन है, सो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो ओवरऑल जो रिएक्शन होगी दैट इज Zn प्लस कॉपर टू पॉजिटिव दे विल गिव Zn टू पॉजिटिव प्लस कॉपर। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गई ओवरऑल रिएक्शन। अब इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड देन हम सॉल्ट ब्रिज लगा के इसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो लिखेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास रिएक्शन आई है ओवरऑल, Zn प्लस Cu टू पॉजिटिव दे गिव Zn टू पॉजिटिव प्लस कॉपर। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे, जीरो से प्लस टू मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन क्योंकि प्लस टू से जीरो पे जा रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे सेल नोटेशन, किस तरीके से लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, ये होता है सिंबल किसका, सॉल्ट ब्रिज का। देन हम यहाँ पे लिखते हैं आयंस, यहाँ पे भी हम लिखेंगे आयंस, देन ये हमारे पास होता है फेस चेंज, इस तरीके से हम वन सिंबल जब हम लगाते हैं इसको बोलते हैं फेस चेंज। अगर हमारे पास कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट है तो उसको हम लिखेंगे, देन यहाँ पे भी सॉल्ट, एंड देन हमारे पास वापस से फेस चेंज लगाएंगे, एंड देन जो भी हमारे पास मेटल प्रेजेंट होगा उसको हम लिखेंगे, यहाँ पे भी मेटल। ठीक है, सो हम लेफ्ट साइड पे किसको लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं एनोड को या फिर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन लिख सकते हो या फिर एनोड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम लिखते हैं रिडक्शन। अब ये जो सेल है इसके लिए हम लिख रहे हैं, सो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, सॉल्ट ब्रिज लगाया, देन हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, सो ऑक्सीडेशन हो रही है Zn से Zn टू पॉजिटिव, सबसे पहले हम आयंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं आयंस। सो आयंस हमारे पास ये है, ये तो हमारे पास आयन है सॉलिड फॉर्म में था, सो आयन हमारे पास लाइक पॉजिटिव जो भी हमारे पास चार्जेस प्रेजेंट होते हैं उनकी फॉर्म में होते हैं हमारे पास आयन्स, लाइक पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो इनको हम क्या बोल सकते हैं आयन्स बोल सकते हैं। सो आयन हमारे पास क्या होगा ऑक्सीडेशन के लिए Zn टू पॉजिटिव, सो Zn टू पॉजिटिव ब्रैकेट में हम लिख देंगे अक्वस। ठीक है, एंड देन हम फेस चेंज लगाएंगे, देन सॉल्ट तो हमारे पास यहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है, देन हमारे पास जो भी मेटल प्रेजेंट होता है, सो मेटल हमारे पास कौन सा प्रेजेंट था, जिंक इलेक्ट्रोड प्रेजेंट थी, सो जिंक हमारे पास सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था, सो एस लिख देंगे हम ब्रैकेट में। ठीक है, इसी तरीके से अब हम रिडक्शन के लिए लिखेंगे आयंस हमारे पास कौन से हैं, ये रिडक्शन वाली है, सो रिडक्शन के लिए आयन है सीयू टू पॉजिटिव, सो सीयू टू पॉजिटिव अक्वस में प्रेजेंट है, एंड देन सॉल्ट हमारे पास कोई प्रेजेंट है नहीं, तो मेटल हमारे पास कॉपर है, सो कॉपर एंड देट इज प्रेजेंट इन सॉलिड। सो ये हो गई इसकी पूरी हमारे पास सेल नोटेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं, ये इसकी जनरल सेल नोटेशन है, हम किस तरीके से लिखेंगे इसको आपको लर्न कर लेना। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, सो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है,
सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है इसको हम यूज कर सकते हैं। किस तरीके से? हम फैन को ऑन करने में इसको यूज कर सकते हैं, गीजर के लिए यूज कर सकते हैं, और भी अदर लाइक एग्जांपल्स होंगे जिसके अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके अंदर केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, सो इसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, ये तो हमने सिंपली बात की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, बट लास्ट लेक्चर में हमने इसको गैल्वेनिक सेल भी बोला था। सो गैल्वेनिक सेल इसको हम कब बोलेंगे? जब हमारे पास जिंक टू पॉजिटिव, लाइक जिंक टू पॉजिटिव एंड कॉपर टू पॉजिटिव, इनकी जो कंसंट्रेशन होगी दैट इज यूनिटी, दैट इज वन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जब इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास ये होगी तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसको हम क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या फिर इसको हम वोल्टिक सेल भी बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे एक कंडीशन जो है रह गई है, दैट इज लाइक यहाँ पे जो हमारे पास ई सेल होगा दैट इज इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ई सेल की वैल्यू होती है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। बट अगर हम यहाँ पे अपोजिट या फिर एक्सटर्नल कोई ई सेल अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी हम यहाँ पे अपोजिट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंडीशन बनती है। वो कौन कौन सी होती है? लाइक अगर हम यहाँ पे जो एक्सटर्नल जो हमारे पास सेल है इसको अगर हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 1.1, ठीक है, सबसे पहले हम लेस देन अप्लाई कर रहे हैं, लेस देन 1.1, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? जो भी हमारे पास मूवमेंट होगी दैट इज इन अकॉर्डेंस विद Zn2 पॉजिटिव से होगी, कहां पे? कॉपर 2 पॉजिटिव की तरफ। सो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? Zn2 पॉजिटिव टू कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ई सेल कितनी होनी चाहिए? 1.1 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल भी इतनी ही अप्लाई कर दे जितनी हमारे पास ई सेल होती है तो क्या होगा? जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? अपोजिट से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ठीक है, नाउ द थर्ड कंडीशन इज अगर हम ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं दैट इज ग्रेटर देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा? ये जो हमारे पास सबसे पहले मूव हो रहे थे Zn2 पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव की तरफ, अब ये आयंस कहां पे मूव होंगे? जब हमने एक्सटर्नल वोल्टेज को ग्रेटर देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, तो ये कॉपर से मूव करेंगे Zn2 पॉजिटिव की तरफ, कॉपर 2 पॉजिटिव टू Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, सो ये थी इसकी कुछ कंडीशंस, एंड ये था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। होप ये जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't wanna sleep in, 'cause I got something